हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के लिए हमारे पूरे टीम के मेंबर ने आप लोगों के लिए 300 क्वेश्चन तैयार किए हैं, जहां पे हम लोगों ने लेक्चर वन में 100 क्वेश्चन ऑलरेडी बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। कोई ऐसे स्टूडेंट्स है आप में से जो अभी तक नहीं देखे लेक्चर को वन को, सबसे पहले अपना यूट्यूब चैनल को ओपन करना है, सर्च करना है मिसाइल क्लासेस, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम यकीन के साथ कहते हैं मेरे भाई कि अगर आप लोग ऑनेस्टी पूर्वक हमारा सारा क्लास को अगर कर लेते हैं, साल भर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, सारा क्लास को अगर अच्छी तरह से अभी भी समय अगर कर लेते हैं, तो याद रखिएगा आप 30 में से 30 क्वेश्चन करेक्ट करके आएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मैंने भाई जो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर चुका था किसके बारे में, तो लेक्चर नंबर वन में आप लोगों को मैं 300 में से 100 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड किया था। और आज हम लोग फिर मेरे भाई आप लोगों को मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किया था, जो महातांडव क्लास था। इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन में बताया था, साथ ही साथ उस क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से अपने तरफ से एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा। बाकी अगर जियोग्राफी लिए हैं तो जियोग्राफी का क्वेश्चन आंसर आप इजीली से अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे ना, बिल्कुल 100 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद और एक लेक्चर आप लोग आने वाला है। अगर आप लोग चाहते हैं सर कि हम लोगों को लेक्चर तीसरा भी हम लोग को चाहिए, तो एक बार आप लोग कॉमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को आगाज करते हैं मेरे भाई। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मैं एक बात बताना भूल गया हूँ, आपका मार्क्स आएगा सर 30 मार्क्स का आएगा ऑब्जेक्टिव, और 12 मार्क्स का आएगा सर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना, वही स्टूडेंट सही कर पाएंगे जिनका भरपूर नॉलेज होगी आपका एमसीक्यू का। वह स्टूडेंट्स इसका याद रखिएगा मेरे भाई, वह स्टूडेंट्स 12 में से 12 मार्क्स वही ला सकता है जिसका नॉलेज होगी भरपूर। किसके बारे में सर? तो बताएंगे सर एमसीक्यू के बारे में। इसलिए एमसीक्यू को दबा करके एकदम रीड कीजिए। क्या दबा करके? ऑनेस्टी पूर्वक रीड कीजिए। कोशिश करिए कि सर 42 में से 42 मार्क्स लाना है। क्या 42 में से 42 मार्क्स लाना? एक भी क्वेश्चन इधर उधर जैसे नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए सर पहला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। सर पहला जो हम लोग को क्वेश्चन पेपर दिया गया है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को हम लोग भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं। किसे कहते हैं मेरे भाई? भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। पेशेंस बनाइए, अभी क्वेश्चन नंबर 1 है, हम लोगों का मंजिल अभी 100 तक है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाला स्नानगर के अवशेष कहां से मिला है? आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाला स्नानगर मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो का खोज जो किया था ना आरडी बनर्जी ने किया था। क्या? आरडी बनर्जी ने किया था 1922 में। याद रखिएगा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। एक ही क्वेश्चन का एकदम नोट डाउन करते रहिएगा। क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद थोड़ा सा भी अंदर से जैसा फील होगा, अच्छा बुरा नॉर्मल वगैरह जैसा फील होगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें पता चलता है ना कि जो चीज़ मैं आप लोगों को लिए मेहनत कर रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, एक बार जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ पर स्थित होगी? गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या है? देखिए मेरे भाई, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, 2016 से लेकर 2022 तक मैं बात करूं, 23 के पेपर में नहीं पूछा गया था। कोई ऐसा साल ना हो जिस साल में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो बताएंगे सर, हड़प्पा जो सभ्यता है इसका आपका जुड़वा राजधानी अगर आपसे पूछे जाएगी तो आपको चीख के बताना है। क्या मेरे भाई? चीख के बताना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रसिद्ध संत इंडिका, इंडिका की रचना जो आप लोगों से पूछा गया है कि इंडिका की रचना किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिका की रचना हम लोग कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, शायद हम लोग क्लास 9 या 10 से पढ़ते आ रहे हैं। किसने किया था मेरे भाई? मेगास्थनीज ने किया था। किसने किया था? मेगास्थनीज। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत की शासक ने क्या था? देखिए मेरे भाई, जो धम्म की शुरुआत किया था ना, वो धम्म की शुरुआत करने के बाद याद रखिएगा उन्होंने एक युद्ध किया था सर। क्या बताइए जल्दी से? अशोक था मेरे भाई। कौन था? अशोक था। क्या हो जाएगा मेरे भाई? याद रखिएगा, अशोक था। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा। क्या, कौन सा युद्ध किया था? कलिंग युद्ध। क्या? कलिंग युद्ध क्या था? और इस कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने याद रखिएगा पूरी तरह से बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और बताया था कि मैं वो कभी काम ऐसा नहीं करूंगा जो मैं पहले कलिंग युद्ध में देख चुका हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, अगला क्वेश्चन के पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी पर किया था? देखिए जो पाटलिपुत्र नदी है ना मेरे भाई, याद रखिएगा किसने किया था इसका स्थापना? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा उदयन ने किया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किस नदी पर किया है। सबसे पहला क्वेश्चन के पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया है? उदयन ने। किस नदी के संगम पर किया था? तो गंगा नदी हो जाएगी। क्या? सोन नदी हो जाएगी। क्या? पुनपुन नदी हो जाएगी। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते सर, अगला क्वेश्चन है कि किसके अभिलेख में
भूमि दान का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को शायद नया देखने को मिल रहा है। ये जो भूमि दान है ना, इसके बारे में कई बार अभी तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बताएंगे सर, प्रभावती गुप्त, क्या जाएगी? प्रभावती गुप्त ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? याद रखिएगा, जो मेगास्थनीज जी है वो भारत में किसके दरबार में आए थे, इससे पूछे गए हैं आपसे। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा मेरे भाई? चंद्रगुप्त मौर्य इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को ना एकदम आंखें जो है ना एकदम तीर की चुप की तरह होना चाहिए, क्या तीर की निशाने की तरह चुभना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 11 पे, अलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था? राष्ट्रकूट वंश ने। किसने? राष्ट्रकूट वंश ने। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी आपका, डेज द राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो बताएंगे सर 18 दिन तक। लेकिन इससे रिलेटेड ना दो क्वेश्चन आते हैं, कौन सा क्षेत्र था? क्षेत्र का नाम था कुरुक्षेत्र। क्या जगह? कुरुक्षेत्र मेरे भाई, याद रखिएगा। याद रखिए कितने दिन तक? याद रखिएगा 18 दिन तक इससे रिलेटेड हो जाएगी। सबसे पहले पूछा जाएगा कौन से क्षेत्र में, तो बताएंगे सर कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तन हो गया था? जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 2021 के पेपर में नहीं बल्कि 2019 के पेपर में पूछा गया था मेरे भाई। पूछा गया था कि किस काल में वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन हो गई है, तो बताएंगे सर वैदिक काल में। कहां पे? वैदिक काल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैदिक काल इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन है 14 नंबर कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? जो मनुस्मृति है, ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछा गया था कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है मेरे भाई, याद रखिएगा। कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया था सर? 8 प्रकार का। कितना? 8 प्रकार। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, भीम ने हिडंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? जो भीम थे उन्होंने हिडंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था, याद रखिएगा। ये हो जाएगा सर, ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2016 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है और तब से लेकर आज तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है? तो ये पुराना हो चुका है, तो सोचिए कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगी। प्रथम बोध संगीत, याद रखिएगा, प्रथम बोध संगीत, द्वितीय बोध संगीत, तृतीय बोध संगीत, चतुर्थ बोध संगीत आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो प्रथम बोध संगीत आपसे पूछा गया कहां हुई थी, तो बताएंगे सर राजगीर में। कहां पे? राजगीर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, और हाँ एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिएगा सर, हम लोगों को सब्जेक्टिव भी बताइए, क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गए क्लास 12 में, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए सब्जेक्टिव को भी तैयारी करते रहना है। तलवंडी में किस प्रकार प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ये याद रखिए मेरे भाई, जो तलवंडी है ना इसमें याद रखिए किसका? गुरु नानक का हुआ था। किसका मेरे भाई? गुरु नानक। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार अभी तक पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विपासना है, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 19, बहुत इंपॉर्टेंट, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, जो बुद्ध के उपदेश थे उसका संकलन कहां पे है, तो बताएंगे सर क्या बुद्ध चरित में है? नहीं मेरे भाई, सुत्त पिटक में। कहां पे? सुत्त पिटक में। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, सचिव मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कभी स्टूडेंट रायसेन लगाते हैं तो कभी भोपाल, ये तो दो ऑप्शन होगा ही नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सांची जो है ना, सांची दोनों ही याद रखिएगा मेरे भाई, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। लेकिन आंसर कौन वाला होगा? अगर दोनों आंसर रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ समझिएगा, अगर दोनों आंसर रहे तो आपको याद रखना है कि रायसेन लगाना है। क्या? अगर दोनों आंसर रहे तो आपको रायसेन लगाना है, अगर रायसेन ऑप्शन में ना रहे तो आपको भोपाल लगाना है, ठीक है? तो बोल सकते हैं इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हम लोग का बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला प्रश्न है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? बौद्ध परंपरा के लिए अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? तो लगभग 84,000। कितना मेरे भाई? लगभग 84,000। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थकना नहीं है, ठीक है? अभी आप लोग 23 में, अभी हम लोग का मंजिल 100 तक है। तहकीके हिंद की यात्रा किसकी वृतांत है? ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में पूछा गया था। तहकीके हिंद जो है ना सर, याद रखिए किसके बारे में? बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं, अलबिरुनी के बारे में। क्या हो जाएगी? अलबिरुनी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर 24 है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री भारत आए थे? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, फाहियान। क्या था सर? फाहियान जो है ना, याद रखिएगा आपका। अगर हर्षवर्धन पूछा था ना मेरे भाई कि हैनसेंग किसके दरबार में आया था, याद रखिएगा हर्षवर्धन के काल में। आपसे पूछा गया कि गुप्त काल के चीनी यात्री कौन थे, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, फाहियान। कौन हो जाएगा मेरे भाई? फाहियान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला प्रश्न है कि फ्रांस बर्नियर जिस देश में भारत आया था उसका नाम था, जिस देश से भारत आया था उसका नाम था क्या? याद रखिएगा फ्रांस। क्या? फ से फ्रांसवा, फ से फ्रांस। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? बी इसका
सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृतांत में कौन किया था। भारत की जो डाक व्यवस्था है इसका यात्रा का वृतांत किए थे वो कौन किया था, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, इब्ने बतूता। याद रखिए क्या हो जाएगी, इब्ने बतूता इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है 27 पे, कैप्टन हॉकिंग्स किस मुगल शासक के दरबार में भारत आए थे। अब जो कैप्टन हॉकिंग्स है मेरे भाई, वो किस मुगल दरबार में भारत आए थे, वो बताएंगे सर, जहांगीर। क्या हो जाएगी मेरे भाई, जहांगीर। और इसी के काल में सबसे ज्यादा अगर चित्रकला का प्रचार हुए थे, चित्रकला याद रखेगा, तो वो था किसका काल में, तो जहांगीर के काल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न है सर, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है। जो गुरु नानक है, आप सभी को पता है कि गुरु नानक के बारे में आप लोगों ने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सिख धर्म से संबंधित है। किससे मेरे भाई, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से, सिख धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। जो 29 है, सलीम चिश्ती का दरगाह जो है ना, वो कहाँ पे स्थित है, आगरा में। कहाँ मेरे भाई, आगरा में इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगी, आगरा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है 30 पे, क्या अंडाल का सही परिचय क्या है। ये भी आपको बताना है कि अंडाल, ये देखने में आप लोगों को नया टर्म लग रहा है, लेकिन यकीन नहीं होगा 2017 के पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि अंडाल का सही आपको बताना है कि अंडाल का मतलब क्या होता है, तो बताएंगे सर, अंडाल का सही परिचय, वह अलवार स्त्री थी। क्या वह अलवार स्त्री थी, बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। काशी में, तो बताएंगे सर, कबीर का। क्या हो जाएगा मेरे भाई, कबीर का जन्म हुआ था काशी में। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 32 का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बताएंगे सर, काशी में हुए थे, किसका, तो कबीर, किसका, कबीर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि सुल्तान उल हिंद किसके कहा गया। इसमें से आपको बताना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यह आपसे बताना है। याद रखिएगा मेरे भाई, जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये जो आपसे पूछा गया है ना कि फतेहपुर सीकरी, सॉरी आपका सुल्तान उल हिंद, ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछा गया था कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया, तो बताएंगे सर, ख्वाजा, याद रखिएगा मेरे भाई। क्या ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। क्या जाएगी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। 34 है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। जो फतेहपुर सीकरी है मेरे भाई, इसकी राजधानी बनाया था अकबर ने। किसने बनाया था, अकबर ने फतेहपुर सीकरी की राजधानी बनाया था। मेरे भाई अगर आपके घर में कोई क्लास 11 में है, तो उन लोगों को जल्दी से इनवाइट करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन के बारे में। 1 अप्रैल से हम लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जहां पे आप लोगों का तबड़तोड़ क्लास होगी। इस साल हमें ऑनलाइन क्लास नहीं दे पाया था, लेकिन इस बार आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चलेगी। दोनों टाइम क्लास चलेगी मेरे भाई, सुबह शाम दोनों टाइम क्लास चलेगी, जहां पे आप वो बेहतरीन तरीके से आप लोगों का सुबह शाम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट बनती है ना आपका थ्योरी लेक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनती है, थ्योरी लेक्चर। तो थ्योरी लेक्चर को सारा चीज़ यहाँ पे पूरा कंप्लीटली एक बार फिर आप लोगों के छोटे भाई हो बहन हो जो भी आपको क्लास 11 में, उन लोगों को जरूर इनवाइट करें, उन लोगों को जरूर इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि उन लोगों को भी एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। वो भी एक शिक्षा अच्छी तरह से ग्रहण करके अपना माँ बाप का नाम रोशन करें। ठीक है, तो उन लोगों को बता दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे सबसे पहला चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, फिर सब्जेक्टिव बताया जाएगा, फिर ब्लू प्रिंट का क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर आप लोगों का मॉडल सेट बताया जाएगा, फिर PUIQ बताया जाएगा, फिर आप लोगों का लास्ट टाइम सेलेक्टेड सेट भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब इस साल 2024 से 2025 का सेशन, जो सेशन है ना मेरे भाई, बहुत तबड़तोड़ क्लास होगी। याद रखें, इस साल मैं अच्छी तरह से आप लोगों को नहीं दे पाया हूं, क्योंकि हमारे पास सारा चीज का संसाधन नहीं था। ठीक है, जिस कारण से मैं आप लोगों को लाइव क्लास नहीं दे पाया था एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो एप्लीकेशन भी इस बार आप लोगों का तबड़तोड़ क्लास चलेगी। अगर आपके घर के आसपास में कोई है, तो उन लोगों को जरूर इन्वाइट करें, ताकि वो भी एक अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। ठीक है, तो चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि गोपुरम का संबंध है। देखिए मेरे भाई, जो गोपुरम है इसका संबंध किसे है, तो मंदिर से। किसे, देखिए मंदिर से संबंध है। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि 2 मार्क्स का अगर आएगा कि गोपुरम किसे कहते हैं, 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आएगा, तो आपको बताना कि मंदिरों के प्रवेश द्वार को हम लोग गोपुरम कहते हैं। क्या मेरे भाई, मंदिरों के प्रवेश द्वार को हम लोग क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे, उनका नाम क्या था, गजपति। क्या नाम था, गजपति। आप सोचेंगे ना कि राजपति और गजपति क्या है, मैं बता चुका हूं, ये नहीं बताए थे मेरे भाई, राष्ट्रपति, अशोपति, गजपति और राजपति में बेहतरीन तरीके से थ्योरी लेक्चर में A to Z में क्लियर करवाया था आप लोगों को, जो फाउंडेशन कोर्स को लिए होंगे। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी, उनका नाम क्या था, उनका नाम आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो बताएंगे सर, चंद्रगिरी। क्या हो जाएगी मेरे भाई, चंद्रगिरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी।
चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, आपसे पूछा गया। 39 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इसको हम लोग अगला बनाते हैं सर। जो आप लोगों का अगला क्वेश्चन है ना 41, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि अमुक्तल मलायद किसके लेखक है, तो बताएंगे सर याद रखिए कृष्णदेव राय। और ये विजयनगर का सबसे कुशल शासक था, क्या सबसे कुशल, याद रखिएगा सबसे शक्तिशाली सबसे बुद्धिमान कौन था, तो बताएंगे सर कृष्णदेव राय, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दीन इलाही संबंधित है, दीन इलाही किसने संबंधित है, बाबर तो होगा नहीं, हुमायूं तो होगा नहीं, औरंगजेब तो होगा नहीं, तो बोल सकते हैं सर क्या हो जाएगी, अकबर, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अभी 42 में है डियर स्टूडेंट, अभी हम लोगों को 100 तक सफर तय करना है, इसीलिए पैसेंस बना कर रखे। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तंबाकू का सर्वप्रथम मुगल जो जिसने सेवन किया था ना उसका नाम था अकबर, लेकिन जिसने प्रतिबंध लगाया था उसका नाम था जहांगीर। दोनों को एक बार याद रखिएगा, जो लगाया था मेरे भाई सबसे पहले जो सेवन किया था उसका नाम था अकबर, जो प्रतिबंध लगाया था तंबाकू पर उसको हम लोग बोलते हैं जहांगीर। इसको भी आप लोगों को अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। आईएनए के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्षा में कुल कितने फसलें थी, जो 44 है याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा 3। क्या हो जाएगी, याद रखिएगा मेरे भाई 3, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं है कि 5 लगा देना है, ठीक है। भूमि को 5 भागों में विभाजित किया था, ठीक है, सिंचाई को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि अकबरनामा एवं आयन अकबरी के अनुवादक कौन थे, जो अकबरनामा है और अकबरनामा के बाद आपसे पूछा गया है ना कि अकबरनामा एवं आयन अकबरी के अनुवादक कौन थे, तो बैबरिज थे। कौन, बैबरिज, इसका सही उत्तर हो जाएगी। जेडरेट भी सही होगा, ब्लैकमैन भी सही हो जाएगा, बोलेंगे सर तीनों ने मिलकर क्या था, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हमारे पेपर में कि जीतल क्या है, जीतल एक प्रकार से आपसे पूछा गया है कि जीतल क्या होती है, तो देखिए मेरे भाई जीतल जो है ना एक प्रकार का क्या है, सिक्का है, क्या है, सिक्का, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हमारे पेपर में, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है, तो बताएंगे सर औरंगजेब को हम लोग जानते हैं सर किससे, याद रखिएगा औरंगजेब को हम लोग पुकारते हैं सर किससे, तो बादशाह हम लोग बुलाते हैं सर आलमगीर के नाम से बुलाते हैं किनको, तो औरंगजेब को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन सा अकबर का समकालीन था, देखिए इसमें आपको 4 दिया गया है, इसमें से एक बताना है कि किसके समकालीन था, बताएंगे सर बदायूनी, क्या हो जाएगी, बदायूनी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट में सामान्यतम महानतम सम्राट माना जाता है, इसमें से आपको मुगल काल का सबसे महान शासक के रूप में आपको बताना है कि सबसे महान शासक कौन था, तो देखिए मेरे भाई ऐसा तो बहुत सारा है यहाँ पे, लेकिन सबसे महान शासक की अगर मैं बात करूं तो वो जलालुद्दीन अकबर है। कौन हो जाएगी, जलालुद्दीन अकबर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है कि सुलह के कुल का अर्थ क्या होती है, जो सुलह के कुल है इसका अर्थ क्या होती है, मेरे भाई याद रखिएगा सुलह के कुल का अर्थ होती है सार्वभौमिक शांति, क्या हो जाएगी, सार्वभौमिक शांति, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरम उत्कर्ष पर पहुंची, जो 53 है मेरे भाई, ये एक बार नहीं कई बार अभी तक ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसका याद रखिएगा किसके शासनकाल में, मैंने अभी जस्ट बताया जहांगीर, क्या हो जाएगा मेरे भाई, जहांगीर, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि गुलबदन, क्या गुलबदन बेगम के ने किसके आग्रह पर हुमायूं लिखा था, सबसे पहला तो आपसे पूछा जाएगा हुमायूं को किसने लिखा था, तो बताएंगे सर गुलबदन बेगम ने हुमायूं को सबसे पहले पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन 2020 के पेपर में पूछा गया था, याद रखिएगा कि हुमायूं नामा की रचना कौन थे, गुलबदन बेगम, आपसे पूछा गया ना कि किसके आग्रह पर क्या था, तो बताएंगे सर अकबर के, क्या अकबर के आदेश पर क्या था, किसने, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना किया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन, भारत में सुलह के कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था, ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछा गया था मेरे भाई कि भारत में सुलह के कुल की नीति का प्रतिपादन करने वाला था कौन, अकबर था, कौन था मेरे भाई, अकबर, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर, कौन आ जाएगी सर, याद रखिएगा बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे, ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है मेरे भाई, याद रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों का अस्थाई बंदोबस्त कहां पे लागू किया गया था, बंगाल में, कहां पे मेरे भाई, बंगाल में, ठीक है। पर आपसे पूछा गया अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, लॉर्ड कॉर्नवालिस से, किससे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, शायद हमें एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, 1753 में ये शुरू किए गए थे, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। 61 पे बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, देखिए बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का जो श्रेय जाती है ना वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ही होगी, क्या होगी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ही होगी सर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से है? आपको बताना है सर किस रिपोर्ट का संबंध, हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं बचपन से ही, पांचवी रिपोर्ट क्या हो जाएगी, पांचवी रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी से है। एक बार ना आपके पेपर में, हमें एग्जैक्ट याद नहीं है, 2020 या 22 के पेपर में होगा, पांचवी रिपोर्ट के बारे में ना निबंध लिखने के लिए आया था। ठीक है, देखिए दक्कन दंगा कब हुई थी, जो दक्कन दंगा है ये आपसे और हमसे पूछा गया कि दक्कन दंगा कब हुई थी, तो बताएंगे सर 1875 में। याद रखिएगा मेरे भाई, 1875 इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगी। 1857 के विद्रोह का कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को हुई थी, कहां से? तो बताएंगे सर कहां से हुई थी, याद रखिएगा मेरे भाई, ये क्वेश्चन बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरठ से हुई थी, कहां से? मेरठ से हुई थी। और बताए थे ये भी आप लोगों कि 1857 की क्रांति के टॉपिक से आपके पेपर में 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का, सॉरी 9 मार्क्स का आएगा। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और एक आपका 2 मार्क्स का आएगा। एक एक करके 2 मार्क्स आएगा आपका ऑब्जेक्टिव में, यानी ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन रहेगी। आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपका 1 क्वेश्चन रहेगा, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आएगी मैं वो भी बता चुका हूं, उससे बाहर नहीं आएगी इस टॉपिक से। ठीक है, और इसके बारे में मैं बेहतरीन तरीके से यहां पे एक्सप्लेन किया था। इसके बारे में कहां पे सर? याद रखिए कि यहां पे इतना बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड किया था मेरे भाई कि हम उम्मीद करते हैं कि कोई बंदा साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं, बस इसको ऑनेस्टी पूर्वक अगर कर लेते हैं, हमें यकीन है मेरे भाई कि एक बार में उनको समझ में आ जाएगा। तो इसको आप लोग देखना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था 65 का आंसर मेरे भाई, याद रखिएगा क्या जाएगी, कानपुर से नेतृत्व किया था किसने? नाना साहब ने। किसने ना किया था मेरे भाई? नाना साहब ने। किसने किया था? नाना साहब ने। अगर आपसे पूछा जाएगा बहादुर शाह जफर कहां से किया था, तो बताएंगे सर दिल्ली से। कहां से? दिल्ली से। बेगम हजरत माल कहां से किया था? लखनऊ से। रानी लक्ष्मीबाई कहां से किए थे? झांसी से। ये सब एकदम एक एक करके आप लोगों को याद करना है। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था? देखिए मेरे भाई, करना चाहिए था कब, उन्होंने एक डेट डिसाइड किया था 31 मई को, पर उससे पहले कर दिया था। यही असफलता होने का पहला परिणाम था, असफल होने का 1857 की क्रांति का पहला परिणाम यह था। दूसरा परिणाम यह था कि उनके पास सीमित साधन थी, ज्यादा साधन भी नहीं था कि उनकी टक्कर में वो युद्ध कर सके। 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसके अंग्रेजों को परेशान किया था? देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपके 68 पूछा गया है मेरे भाई, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा क्या इनमें से सभी। अच्छा एक क्वेश्चन में बताना भूल गया मेरे भाई, फिरंगी किस शब्द का है? फिरंगी भाषा किस शब्द का है? फिरंगी एक बार याद रखिएगा, एक स्टूडेंट ने कमेंट कर रहे हैं फिरंगी। देखिएगा मेरे भाई, फिरंगी जो है ना ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा किया मेरे भाई अगर पूछ लिए बीच क्लास में, ये प्री बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, फिरंगी जो है ना किस भाषा का है? तो बताएंगे सर याद रखिएगा फारसी भाषा की। क्या? फारसी भाषा इसका सही उत्तर हो जाएगी। एक बार देख लीजिए बीच क्लास में, एक स्टूडेंट ने कमेंट कर दिया, चलिए कोई बात नहीं भाई, आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि इस तरह से अगर क्लास आप, चलिए बहुत अच्छी बात, आपने सही भी उत्तर भी बता दिए। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिरंगी याद रखिएगा मेरे भाई कौन सा भाषा से लिया गया? फारसी भाषा से। ये प्री बोर्ड के एग्जाम में ब्लू प्रिंट और प्री बोर्ड दोनों में पूछा गया था। क्रांति के दमन के बाद कौन से क्रांति नेता नेपाल गए थे? बताइए सर नेपाल जाने वाला क्रांति नेता कौन थे? तो बताएंगे सर याद रखिएगा 2 थे, बेगम हजरत महल और नाना साहब। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या था? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम, देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? स्वतंत्रता संग्राम कहने वाला प्रथम कौन था? तो बताएंगे सर याद रखिएगा भीमराव, कौन हो जाएगा सर? बीसी मजुमदार। क्या हो जाएगा मेरे भाई याद रखिएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, और हाँ मैं भूल गया हूँ, अगर आप लोग सेट 3 भी देखना चाहते हैं तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। भारतीय की राजधानी कोलकाता से दिल्ली, पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता, उसके बाद यहाँ पे राजधानी बना दिएगा दिल्ली। पर दिल्ली कोलकाता से दिल्ली कब लाया गया? तो बताएंगे सर 1911 में लाया गया था। कब मेरे भाई? 1911। यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन में आते हैं सर, भारत में जिस वर्ष के उपरांत 10 की प्रत्येक वर्ष में 10, देखिए पहले भारत में ना 10 वर्ष के बाद जनगणना होती थी, याद रखिए भारत में पहला जनगणना हुई थी ना 1872 में, ये 10 साल बाद होती थी, याद सॉरी ये 5 साल बाद होती थी। ठीक है, लेकिन भारत के सभी लोगों ने सोचा कि नहीं ये 10 साल बाद होना चाहिए, क्यों? क्योंकि 5 साल तुरंत आ जा रहे। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया ना कि 10 के आधार पर पहला जनगणना कब हुई थी, अगर 5 वर्ष के आधार पर पूछा जाए, पहला जनगणना पूछा जाएगा तो 1872, ठीक है, लेकिन 10 के आधार पर पूछा जाएगा तो मेरे भाई याद रखिएगा 1881। बोल सकते हैं सर 1881। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारतें थी। जो विक्टोरिया टर्मिनल है ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट, नव गॉथिक शैली, क्या हो जाएगी? नव गॉथिक शैली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? शेर और शेरनी हो, याद रखिए, क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। शेयर करें मेरे भाई, सारे स्टूडेंट्स को शेयर कर दे, क्योंकि सबको ये चाहते, सब कोई चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। ठीक है, तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा, आपके हो सके आपके शेयर करने से वो बंदा कुछ नहीं पढ़े और ये सब पढ़ ले, ये पेपर में अगर आ जाए तो आपको तो कम से कम वाह वाह तो करेंगे मेरे भाई। तो एक बार आप लोग जरूर उनको शेयर कीजिएगा। गेट ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? देखिए, जो गेट ऑफ इंडिया है किस शैली का उदाहरण, तो बताएंगे सर इंडो सारासैनिक शैली का। क्या? इंडो सारासैनिक शैली का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। माय एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, याद रखिएगा, माय एक्सपेरिमेंट जो है ना, माय एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, पुस्तक का लेखक होगा कौन? महात्मा गांधी, याद रखिएगा। क्या हो जाएगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, गांधी इरविन समझौता कब हुई थी? देखिए, चोरी चोरा के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, चोरी चोरा कांड अगर आपसे पूछा जाएगा ना मेरे भाई, तो 5 फरवरी को बात है। कब? 5 फरवरी 1922 को बात है। ठीक है, पर आपसे यहाँ पे पूछा गया है ना कि गांधी इरविन समझौता कब हुई थी, तो गांधी इरविन समझौता ना मेरे भाई याद रखिएगा 1931 में हुआ था। क्या? 1931 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा ना सविनय, क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में, असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था 1922 में। ये सब एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगी और याद रखिएगा, आपको सही करके आना है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन क्या था? देखिए, सबसे पहला जन आंदोलन पता है महात्मा गांधी, हम लोग अगर जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश कोर लिए होंगे तो आप लोग इंडिगो के बारे में पढ़ चुके हैं, इंडिगो टॉपिक, वहां पर कितना बेहतरीन तरीके से मेरे भाई बताया था, कितना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया था कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जब कोलकाता में थे उनको बुलाकर लाए थे, तो कहां पे बुलाकर लाए थे? चंपारण में। कब? तो बताएंगे सर 1917 में। और 1917 में क्यों बुलाया था? क्योंकि किसानों को जबरदस्ती ब्रिटेन के लोग कहते थे कि नील की खेती करनी होगी, बोल सकते सर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की प्रारंभ किया था? देखिए, असहयोग आंदोलन मैंने जस्ट बताया शुरू किया था 1920 में, पर वापस लिया था सर 1922 में, यह भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 81 पे 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि 1900 आपका पूछा गया सर 1921 में, सॉरी 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, फिर वापस में कब लिया था? 1922 में वापस ले लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। सबके ना अज्ञा आंदोलन 1930 में। यह सब एकदम नोट डाउन कर ले, करते रहना है, कंठस्थ कर लेना है, और 42 में से 42 मार्क्स ठोक के आना है। ये बार पुनः समझौता किस वर्ष हुई थी मेरे भाई? आपसे यहाँ ना पुनः समझौता पूछा गया था, तो बताएंगे सर याद रखिएगा, पुनः समझौता हुआ था 1932 में। क्या हो जाएगी? पुनः समझौता 1932 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर 83 में कि महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे? असफल हो रहे हैं बैंक का उत्तराधिकारी चौक, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एक बार 2017 और 16 दो साल कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और इसका राइट आंसर होगा क्रिप्स प्रस्ताव। क्या हो जाएगी? क्रिप्स प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन हम लोग का कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो बताएंगे सर चंपारण से। क्या मेरे भाई? चंपारण इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। पता है कब किया था? ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है मेरे भाई, याद रखिएगा। ये हुआ था 1917 में, याद रखिएगा। तो चंपारण इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नील के विद्रोह के लिए किया था। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? मैंने अभी जस्ट बताया 5 फरवरी 1922, चोरी चोरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922। नमक कानून किसने तोड़ा था? महात्मा गांधी ने तोड़ा था। नमक कानून किसने तोड़ा था? महात्मा गांधी ने तोड़ा था, यस या नो? चलिए सर अगला क्वेश्चन पर आगाज करते हैं। शहीद आजम के नाम से किसे हम लोग जानते हैं? शहीद आजम के नाम से हम लोग भगत सिंह को जानते हैं। क्या मेरे भाई? भगत सिंह को जानते हैं। जैसे महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहा जाता है, क्या? खान अब्दुल गफ्फर खान। किसे कहा जाता है बता दीजिएगा कॉमेंट में, ठीक है? सबका आपका जो निक नेम है मेरे भाई, एक पहचान जो होती है वो आपसे पूछी जाएगी, ठीक है? और एक नारा, नारा तो आएगा ही आएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किया था। देखिए कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में समझौता कब किए थे, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर ये क्या था 1916 में। क्या क्या था 1916 में? तो बोल सकते सर 1916, दो ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा दिसंबर 1916 में। कब किया था? दिसंबर 1916 में। कंफ्यूजन नहीं आना है, दिसंबर के महीने में समझौता हुआ था, याद रखिएगा, लखनऊ में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि फ्रंटियर या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फर का। फ्रंटियर या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताएंगे सर खान अब्दुल गफ्फर खान। क्या मेरे भाई? खान अब्दुल गफ्फर खान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी।
अगला प्रश्न पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का स्थापना किया था। सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा आजाद हिंद फौज का स्थापना कब हुई थी, तो बताएंगे सर 39 क्या 1939 में हुआ था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तीन क्वेश्चन आएगी। पहला कि आजाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, कब किया था 1939 में, कहां पे जाकर किया था। ना इस क्वेश्चन को लेकर ना काफी ज्यादा स्टूडेंट मतभेद है, लेकिन ये ऑप्शन हमारे पास सिंगापुर है तो आपको सिंगापुर ही लगाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। तो ब्रिटेन में आप सभी को पता होगा उस समय लेबर पार्टी चल रहा था, इसके अलावा कोई पार्टी ही नहीं हो सकता है, तो लेबर पार्टी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, लेबर पार्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना अगर पूरा डेट अगर आपसे पूछा जाएगा तो पूरा डेट मेंशन करना आपको 28 दिसंबर, याद रखिए कब, 28 दिसंबर 1885 में। कब मेरे भाई, 28 दिसंबर 1885। किसने किया था? एओ ह्यूम। क्या? एओ ह्यूम मेरे भाई, याद रखिए एओ ह्यूम, ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बोल सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन होती है? भीमराव अंबेडकर। कौन होती है मेरे भाई? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष होती है भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगी? भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? अस्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर सचिनंद सिन्हा क्या है? अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा सर। इसका चुनाव किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के संवैधानिक योजना को स्वीकार किया था। जो स्वीकार किया था वो डेट आपसे पूरा पूछा गया है। देखिए सारा चीज में 16 लगा हुआ है, तो याद रखिएगा 16 जून 1946 को। कब मेरे भाई? 16 जून 1946 में मुस्लिम लीग, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? कितने संविधान में थे? तो टोटल मेरे भाई याद रखिएगा 284 थे। कितना थे? 284। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। जो कैबिनेट मिशन है मेरे भाई, इसमें सदस्य बताना है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, तो बताएंगे लॉरेंस भी थे, अलेक्जेंडर भी थे, स्टोपस क्रिप्स भी थे। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का डी का राइट आंसर होगा। क्या आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से जो सेट 3 बचा हुआ है वो भी हम लोग को जल्दी से कवर करवा दीजिए, तो एक बार जरूर बता दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे भाई जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी तक इस लेक्चर को नहीं देखें, सब्जेक्टिव का हो या जो मैं आप लोगों को लेक्चर 1 ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं हिस्ट्री का, ये भी कोई अगर ऐसे स्टूडेंट्स आप में से जो नहीं देखें, तो एग्जाम हॉल घुसने से पहले एक बार तीनों लेक्चर को देख लीजिएगा, जिसमें मैं आप लोगों को 300 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो 2 लेक्चर अभी कंप्लीट हो चुका है, तीसरा लेक्चर के लिए मैं कमेंट सेक्शन का आप लोग वेट करता हूं। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।